निसिंग के सीएससी से शनिवार को खंड निसिंग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा वर्कर्स ने पोषक आहार व काला मोतिया के प्रति जागरूकता रैली निकाली। रैली को एसएमओ डॉक्टर राजेश जोहरी, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर मेनका, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष व निर्मला देवी सहित अन्य ने हरी झंडी देकर रवाना किया। रैली शहर की सीएससी से शुरू होकर मेन रोड से गुल्लरपुर रोड, गोंदर रोड सहित अन्य गलियों से गुजर महिलाओं को पोषक आहार व लोगों को काला मोतिया के प्रति जागरूक किया गया। डॉक्टर राजेश जोहरी ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए, हमेशा अपने खाने पीने का ध्यान रखें और संतुलित आहार खाएं। सुपरवाइजर मेनका ने कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार लेना बहुत आवश्यक है। पोषक आहार स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। पौष्टिक आहार गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत आवश्यक है। आंगनवाड़ी वर्कर प्रेमलता वर्मा ने कहा कि पौष्टिक आहार से हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व जैसे विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम में प्राप्त होते हैं। पौष्टिक आहार में हरी सब्जियां, दालें, अंकुरित भोजन लेना चाहिए। नेत्र चिकित्सक आशुतोष ने कहा कि काला मोतियाबिंद आंखों में होने वाली एक गंभीर समस्या है। हमारी आंखों में ऑप्टिक नर्व होती है और जो किसी वस्तु का चित्र दिमाग तक पहुंचाती है। ग्लूकोमा के दौरान हमारी आंखों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। लगातार बढ़ते दबाव के कारण हमारी ऑप्टिक नर्व नष्ट हो जाती है। काला मोतिया स्थायी नेत्रहीनता के मुख्य कारणों में अहम है। निसिंग से संवाददाता अशोक वर्मा की रिपोर्ट। को लिए सीएचसी निसिंग से एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर भाग ले रही है। हम डॉक्टर राजेश जोहरी से बात कर रहे जी। सर, आज हमारे सीएचसी निसिंग में काला मोतिया के ऊपर, ग्लूकोमा के ऊपर एक ट्रेनिंग का और रैली का आयोजन हुआ है, जिसमें विशेष तौर से हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष जी नीलोखेड़ी से यहाँ पर आए हैं और साथ में उनके अनिल जी आए हैं। तो इन्होंने हमारे सारे वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को प्रशिक्षण भी दिया है और विशेष तौर से बताया है कि काला मोतिया कितना खतरनाक है, क्योंकि इसके काला मोतिया से जो नज़र का नुकसान होता है वो परमानेंट लॉस होता है और एक बार नज़र जाने के बाद दोबारा आना संभव नहीं है, और इसके बारे में विशेष तौर से क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये हमारे डॉक्टर साहब ने आज हमारे सारे लोगों को जागरूक किया है। जी डॉक्टर साहब, क्या बताना चाहूँगे सर इसके बारे में? आज सीएससी निसिंग में हम काले मोतिया अवेयरनेस वीक में आज काले मोतिया के जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी और वर्कर्स, हमारी आशा वर्कर्स, हमारी एएनएम्स, हमारे मेल वर्कर्स और हमारे बाकी सभी जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं और हमारे एसएमओ साहब डॉक्टर जोहरी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को जागरूक करेंगे काले मोतिया के लिए कि काले मोतिया का जो है वो बचाव ही उसका इलाज है। अगर हम आरंभिक स्टेज में ही अपनी आंखों की नियमित जांच करवाते हैं तो उससे काले मोतिया से बचाव किया जा सकता है। काला मोतिया होने से आँखों का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आँख का जो पर्दा है उसके ऊपर असर पड़ता है और आँख की रोशनी खराब हो सकती है। इसमें ज़्यादातर 40 साल से ऊपर के लोगों को इस बीमारी का होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। इसमें बार बार इंसान का जो नज़दीक का नंबर है, चश्मे का नज़दीक का नंबर है, वो बार बार बदलता है। सिर में दर्द होता है। जैसे आपने पूछा कि सफ़ेद मोती और काले मोती में क्या फ़र्क है, दोनों में मोतिया वर्ड यूज़ हो रहा है। जो सफ़ेद मोतिया है उसमें जो लेंस है आँख का वो ख़राब होता है, जिसके कई कारण है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, या उम्र के हिसाब से, या कोई चोट लगने की वजह से। और जो काला मोतिया है वो आँख का प्रेशर की वजह से होता है। आँख का, जैसे हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर होता है, ऐसे आँखों का प्रेशर होता है। जब वो आँख का प्रेशर बढ़ता है किसी भी कारण से, चोट लगने की वजह से बढ़ गया, या फिर हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से बढ़ गया, या किसी के खानदान में इस तरह की एक बीमारी चल पड़ी जिसकी वजह से उसके आँखों का प्रेशर रह रहा है, उसकी वजह से काला मोतिया होता है। और काला मोतिया होने की वजह से दो तरह का होता है, एक होता है ओपन एंगल और एक होता है क्लोज एंगल। हमारी आँख के अंदर एंगल्स हैं जहाँ से ये जो सिक्रीशंस होती है आँख के अंदर, जो फ्लूड बनता है वो नॉर्मली हमारे ब्लड में जाता है, तो वो अगर क्लोज एंगल है तो वो जो फ्लूड बन रहा है, जिसको एक्सोसोमर बोलते हैं, वो हमारी ब्लड वेसल्स में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। जी सर, आपका शुभ नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर आशुतोष। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट है कि नियमित अपनी जांच करवाते रहें। पोषण माह के बारे में? हाँ जी मैम, पोषण माह के बारे में हम सीएससी निसिंग में आज आंगनवाड़ी और आशा वर्कर और एएनएम्स और सभी मल्टीपर्पज मेल एंड फीमेल और एमपीएचएस और अपने एसएमओ की अध्यक्षता में आज यहाँ रैली निकाल रहे हैं और पोषण माह में हम अनिमिया मुक्त बनाने के लिए अपने ग्राम पंचायत और सचिव और जैसे हमारी पंच महिलाएं हैं उनको साथ में लेकर जन जन को घरों तक हम उनको पोषण माह के बारे में बता रहे हैं कि इस माह के अंदर हम अनिमिया मुक्त बनाएंगे। गर्भवती महिला और बच्चे को कौन कौन सा आहार देना चाहिए मैम? गर्भवती महिला को संतुलित आहार में हरी सब्जियाँ, दालें,
प्रोटीन्स युक्त और कार्बोहाइड्रेट्स युक्त हम सारे आहार के बारे में घर घर तक ये आंदोलन के थ्रू शिक्षा देने के लिए तत्पर हैं। और हमारी आंगनवाड़ी और हमारी आशा मैडम और हमारी ANM घर घर जाके हाउस टू हाउस विजिट करके भी बता रही है और साथ में पंचायतों के साथ मिलकर एक बड़ा जन आंदोलन के साथ रैलियां भी निकाल रही है। रैली कहां से कहां तक निकाली जाएगी जी? अब ये रैली CSC निशिंग से होती हुई मार्केट की तरफ से और वार्ड नंबर हरिजन मोहल्ला, साथ में अपना दूसरा धोबी मोहल्ला और साथ में एक सिखो का मोहल्ला, ऑल ओवर सारे निशिंग के अंदर जी। हाँ जी मैम, ये पोषण 8 मार्च से 22 मार्च तक हम सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर, ANM और SMO सर के अध्यक्षता में हम ये रैली निकालेंगे। और जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको सबसे पहले हमने आहार में क्या है, जो तिरंगा होता है ना, तिरंगे के हिसाब से, तिरंगे में 3 रंग होते हैं, तीनों रंगों को मिला के, जैसे ऑरेंज है उसमें ऑरेंज जो कलर की सब्जियाँ हैं वो हम उनको खिलाएंगे, सफ़ेद है तिरंगे में सफ़ेद कलर होता है उसमें दूध दही पनीर वो वाला उसमें ऐड करेंगे, और हरा होता है उसमें कलर तो हरे के हिसाब से जो हरी पत्तेदार सब्जी होती है हम वो गर्भवती को और जो हमारी दूध पिलाने वाली माता है उनको प्रेफर करेंगे। और पूरे ऑल ओवर निशिंग में रैली निकालेंगे पोषण पोषण पखवाड़े के विषय पे ही, और जो हमारी पंचायत के मेंबर्स हैं उनको भी हमने इसमें साथ लिया है, और CSC निशिंग से सभी डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, और ये हम पोषण अवेयरनेस रैली अब यहाँ पूरे निशिंग में निकालेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.